राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बाइट टू इट। मैं निशा वर्मा। जैसा कि हम लोगों ने शुरू से ही कहा है कि कुछ नया ही सीखेंगे, कुछ नया बनाएंगे। तो हरे चने को तो आप सभी जानते होंगे, उसे छोलिया भी बोलते हैं। मुझे किसी ने बोला कि आप हरे चने की बर्फी बनाएं। मुझे लगा हाँ, गुड आइडिया, बनाया जा सकता है। यही सोचते हुए मैंने सोचा चलो आज बाइट टू इट की रसोई में सीखते हैं हरे चने की बर्फी, बिल्कुल यूनिक सी। और अब तो त्योहारों का सीजन आ रहा है, त्योहारों मतलब होली का सीजन आ रहा है, तो इसी में कुछ अपने गेस्ट जो हमारे आएंगे उन्हें इम्प्रेस करते हैं, और वो जान भी नहीं पाएंगे कि अब बना क्या रही हैं, ये किस चीज़ की बनी है। तो चलिए देखते हैं बाइट टू इट की रसोई में हरे चने की बर्फी, और आप मुझे बताएं ज़रूर कि ये कैसी लगी आपको। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए। आप मुझे पिंटरेस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और चलें देखते हैं कि कैसे बनती है हरे चने की बर्फी। आइए, ये 500 ग्राम हरे चने हैं, इनका मैं एक महीन पेस्ट तैयार करूंगी। ये हरे चने का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, बिल्कुल महीन पेस्ट है ये। ये 200 ग्राम मावा है, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें काजू, बादाम और किशमिश है। ये 6 हरी इलायची है, इनको छील के और महीन इसको पीस लूंगी। ये 200 ग्राम देसी घी है, ये 200 ग्राम चीनी है। अब ये गैस ऑन करके इसमें ये घी डाल दूंगी, इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच घी बचा के रखूंगी, क्योंकि अभी इसकी बर्फी बनाने के लिए थाली में जमाना होगा, जब उसमें लगाऊंगी। अब ये घी पिघल गया है, अब मैं इसमें ये चने का पेस्ट पर पूरा मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको फ्लेम इसका बिल्कुल स्लो पे करके फिर भूनूंगी, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा, फिर ये खाने में बर्फी अच्छी नहीं लगेगी। आप इसको मीडियम फ्लेम पे भूनते रहिए, फिर इसका जब कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो आपको खुद समझ आएगा ये कि ये अब भुनने लगा है, और इसकी बर्फी बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल सोंधा सोंधा स्वाद आता है इसका अलग सा, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है भूनते समय, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये चना अब भुन गया है, वो कच्चेपन की खुशबू हट के भुनने जैसी सोंधी सोंधी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। ये देखिए ये भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है बिल्कुल, और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है, आपको देख के भी लग रहा होगा इसका टेक्सचर कैसे चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ये मावा ऐड करूंगी, शक्कर,
को भूनते भूनते इसकी चीनी और ये मावा इसमें पिघल के बिल्कुल एक सार हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसे एक थाली में जमा देंगे। ये देखिए ये पिघलना शुरू हो गया है, कलर भी देखिए इसका बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत ही टेस्टी होता है। ये मैंने छोटी इलायची रखी थी जो ये कूट के, ये उसे भी उसी में मिक्स करूँगी। और इसमें ये जैसे अगर आपको लगता है ना कि शक्कर अगर ना हो, या तो आप इसकी जगह देसी खांड आती है आप वो भी डाल सकते हैं, और गाय का घी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत पौष्टिक हो जाता है ये। फेस्टिवल में लोग तो खाते ही हैं, रोज नहीं लोग खा पाते हैं ये सब चीज़ें, तो कभी कभी तो चलती हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है, ये बहुत अच्छा। देखा आपने ना ये कितना अच्छा कलर आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बस इसको 2 मिनट और लगेगा, 2 मिनट में ये पूरा एक सार हो जाएगा। ये देखिए जब मैंने इसमें मावा और शक्कर डाली तो गैस का फ्लेम फुल पे कर दिया था, और अब मैं इसको फिर से मीडियम पे कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से भूनूंगी। ये पूरा सारा इसी में पिघल के चीनी और मावा एक जैसा हो जाएगा। 5 मिनट इसे लगेंगे। और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे थे अब इनके ऊपर गार्निश करूंगी ऐसे। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी जैसे खरबूजे के बीज या चिरौंजी वगैरह सब डाल सकते हैं, और इन्हें ऐसे ही आप दबा दीजिए। आप ड्राई फ्रूट्स और कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसमें, देखिए ये पूरा जम चुका है। अब मैं इसे 1-1.5 घंटे ठंडा होने के लिए रखूंगी और फिर इसको कट करूंगी। ये देखिए ये मैंने काट लिया है इसे, और अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। इसको करीब 2 घंटे हो गए हैं, ये देखिए ये बिल्कुल बन के रेडी है, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप एक बार ज़रूर बना के इसे खाइएगा, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी। थैंक यू।